नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चारपाई होती है हमारी, वो स्टार्टिंग से कैसे बनाती हैं, जो हमारे ताना हैं वो किस प्रकार से खींचते हैं, जो हम ताना खींचते हैं वो किस प्रकार से खींचते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, माई मैंने गूँथ ली है और यहाँ से इस प्रकार से आटा मार के इसको एक रस्सी यहाँ बांध देनी है और ये दावणी के लिए मैंने रस्सी यहाँ बांध दी है दोस्तों। तो इतना काम सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद में ताने किस प्रकार से खींचेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको दावणी की ये कैसे माई गूँथनी है इसके बारे में जानना है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से किस प्रकार से आप माई गूँथते हैं। यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है, आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कुछ वीडियो आपको दोस्तों इस के वीडियो के अंत में मिल जाएगा और उसके ऊपर आई बटन होता है हमारा, तो आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बहुत सी डिजाइनें की भी वीडियो देख सकते हैं आप, और नाम की भी और मोबाइल नंबर्स, वो सभी चीज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ताना किस प्रकार से खींचते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। देखो, ये माई होती है, इसके माई के बीच में यह जगह होती है दोस्तों, तो इस जगह में क्या करेंगे आप, यहाँ रस्सी बांध देंगे। सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों आपको, इस जगह से ये लेकर देखो इस प्रकार से ये रस्सी ये हमारी किल्ली से इसमें डाल देंगे आप, तो ये आपको यहाँ पे बांध देना है दोस्तों। इस प्रकार से ये मैंने रस्सी लेकर आपको बांध देना है यहाँ पे, ये काम करना है दोस्त। सबसे पहले वहाँ मैंने बांध दिया है, फिर उसको या इस तरफ क्या करना आपको, देखो यहाँ से नीचे से लेंगे आप रस्सी को, आराम से देखिए यहाँ से नीचे से लेना है और इसके अंदर से लेना है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लिया इसको अंदर से और यहाँ से लेंगे, देखो इसके अंदर से लेकर आपको यहाँ से लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये वापस रस्सी खींचना है इसको, फिर और इसको वापस ले लेना है, इस प्रकार से लेना है। और ये रस्सी है दोस्तों, आपको टाइट नहीं रखना है, इसका बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ये रस्सी है, ये ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे। और ये वापस यहीं ले लेंगे, देखो इस प्रकार से ये डाल देंगे, फिर यहाँ लेंगे इसमें भी, इसमें दोस्तों फिर से आपको यही इसी से माई से निकालना है ये दो रस्सी, इस बात का आपको विशेषकर थोड़ा ध्यान रखना है। बस ये माई होती है, इसमें हमें माई में डालकर ये माई से निकाल लेना है, ये माई से निकालना है दोस्तों, इसको भी यहाँ से इस प्रकार से निकाल देंगे, इसके एक अंदर से निकालना है यहाँ से, और ये वापस ले लेनी है, फिर इस प्रकार से ये वापस ले लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दूसरी रस्सी तीसरी रस्सी डालेंगे, देखो दो रस्सी हमने डाल दी है, ये तीसरी रस्सी है, तो तीसरी रस्सी में आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से लेंगे और इसके अंदर से लेंगे, यहाँ पे जो अंदर की तरफ है यहाँ पे दो रस्सी रहनी चाहिए, इस बात का विशेष से ध्यान रखना है, ये अंदर ये दो रस्सी रहनी चाहिए, देखो ये अंदर ये मैंने डाली है रस्सी, इस प्रकार से लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हटेंगे इसको और इसको धीरे धीरे निकालेंगे दोस्तों, और धीरे धीरे निकाल कर इसको यहाँ पे इसमें आप डालना शुरू कर देंगे, डाल देंगे इस प्रकार से, ये हमारी रस्सी को डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये आसानी से शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपके, बाद में रस्सी ये डल जाएगी यहाँ पे, ये रस्सी यहाँ पे आपको डाल देनी है, तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी रस्सी है, स्टार्टिंग में ही हल्का सा दिक्कत होती है दोस्तों ये बस, और इसको इसके बराबर रखना है बस नॉर्मल कंडीशन में, और फिर ये वापस ये फालतू रस्सी इसको वापस खींच लेना है और इसको यहाँ पे इस प्रकार डाल देना है यहाँ पे, फिर ये वापस लेके जाने आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लेना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे
इस तरफ लेंगे एक पहली रस्सी और इसके नीचे से लेंगे। देखो अंदर से आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से लेंगे, देखो यहाँ से नज़दीक करके, फिर इसको भी आप धीरे से निकालेंगे, निकाल कर और इसमें फंसाएंगे। देखिए निकाल के हमने ये डाल दिए, तो इस प्रकार से आपको ये डालना है और ये इसको नज़दीक कर देना है। फिर ये डालकर रस्सी को इस प्रकार से वापस खींचनी है रस्सी को, और यहाँ पे ये ले लेंगे। तो इस प्रकार से ताना की आपने शुरुआत करनी है दोस्तों। आगे देखते रहिए, इस प्रकार से धीरे धीरे ये आपको ताना किस प्रकार से खींचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि बहुत से दोस्तों ने बोला कि हमें ताना कैसे खींचते हैं, कितनी रस्सी लें। जितनी आपकी चारपाई में दोस्तों आती है रस्सी, उतनी आप रस्सी ले लीजिए। लेकिन ताना ये कैसे खींचते हैं वही मैं आपको दिखाया है कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं। कई दोस्तों ने बताया था कि स्टार्टिंग कैसे करें हम, थोड़ा सा इसको ये रस्सी डालने में आसानी रहेगा, इसको ऐठ लेना आपको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग करेंगे आप शुरू में, तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग करना है। तो ये लहर अपने आप ही बन जाएगी आपको, बस इसको जो हमारी जो स्टार्टिंग करेंगे ये घुंडी डालते हैं, इसके अंदर ये दो रस्सी रहनी चाहिए। देखो इधर ये हमारी दो रस्सी रह गई है और ये तीसरी रस्सी हम लेंगे। तो इसका तीस रस्सी का क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये निकल गया थोड़ा, इस प्रकार से इसको आपको ये आटा लगा के रखना है दोस्तों, और ये इसके अंदर से लेनी है आपको, बस इस बात का आपको ध्यान रखना थोड़ा। और ये वापस नज़दीक सी कर कर आपको ये डालनी है। ये रस्सी थोड़ा पतली है इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा थोड़ी मोटी रस्सी होती है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। और ये नज़दीक ऐसे इस प्रकार से डाल देना है। तो ये इस प्रकार से आपको ये ताना खींचना है दोस्तों। देखो इस प्रकार से ये ताना खींच देंगे। अब हमारी ये दो तीन रस्सी हो गई है, तो इस प्रकार से हमें कितने रस्सी बाद में आपको दोस्तों ये डालना है दावण वो आपके ऊपर है दोस्तों। इस प्रकार से ले लेंगे एक, फिर ये थोड़ा नज़दीक हो गए हमें, इस प्रकार से एक और ले लेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे साथ साथ ये दावण भी आपको खींचते रहना है। यहाँ देखिए इस प्रकार से ये लेंगे और यहाँ से लेंगे, और इसको डालने का देखिए यहाँ से निकालिए धीरे धीरे इसको, और इसके पास सीख रखिए इसको, और ये धीरे धीरे इसको ये देखो डाल देंगे हम इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे आपको डालना है और पूरी चारपाई में ताना आपका तनता हुआ नज़र आ जाएगा आपका। ये इसका प्रकार से ये सही, कई बार ये यहाँ पे बैंड भी लग जाता है इसलिए वो थोड़ा सही करना पड़ता है, मतलब आटा लग जाता है यहाँ पे। देखो ये पीछे लहर आ गई, इस प्रकार से आएगी। ये हमें दावणी डाल दी थी, इसके देखो यहाँ से लेंगे अंदर से, ये नज़दीक हो जाएगा हमारा, इसको धीरे से निकालेंगे आप। इस प्रकार से वापस ये खींचिए, तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे ताना आप तानेंगे, देख पा रहे हैं। आपको एक एक रस्सी में आप दिखाऊंगा कि आप ताना तन सके अपनी चारपाई में, और चारपाई को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए बहुत से दोस्त बोलते हैं कि स्टार्टिंग से बताइए, तो इसलिए मैं आपको फिर से ये दोस्तों स्टार्टिंग से पहले ही मैंने बहुत सी डिजाइनें की स्टार्टिंग बताई है, और ताना कैसे खींचते हैं वो भी मैंने बताया है। तो इसलिए छोटी चारपाई हालांकि ज़रूर है मेरी, लेकिन आप चारपाई छोटी मत समझिए कि वो चारपाई आपको कितनी बड़ी हो। ताना लेकिन स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप इसी प्रकार से ही देख पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से ये आएगा, देखो अब हमारा इस प्रकार से आगे है, ये भी हम आगे इसी प्रकार से डालते रहेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा नज़दीक रखिए बस, और रस्सी को ज़्यादा टाइट मत कीजिए, ये नॉर्मल रस्सी रहनी चाहिए आपकी। फिर इसको हम निकालेंगे, ये डालेंगे, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा कभी कभी ये दिक्कत होती है, ये देखो इस प्रकार से हम वापस इसको खींच लेंगे रस्सी को और ले लेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ताना खींचेंगे आप।
हाँ तो दोस्तों धीरे धीरे इस प्रकार से देखो ताना हमारा तनता हुआ नजर आ जाएगा। देखो लहर भी इस तरह भी बनेगी ये लहर और इस तरह भी बनेगी। चाहे आप छोटी चारपाई बनाइए बड़ी चारपाई बनाइए, लहर तो बनती रहेगी और ये ताना इसी प्रकार से आप तानते रहेंगे आगे ताना। और देखो दावणी भी मैं इस प्रकार से डालते रहे हैं, ये दावणी भी आप ये डालती रहिए। आप ये कितनी छिदी डालनी है ज़्यादा या गहरी डालनी है वो दोस्तों आपके ऊपर है कि हमें ज़्यादा गहरी डालनी है तो आप हर तीन तीन चार चार रस्सी के ऊपर डाल दीजिए, आप पाँच पाँच छः छः रस्सी के ऊपर भी डाल सकते हैं, वो दोस्तों आपके ऊपर है कि हमें दावणी किस प्रकार से डालनी है। और जितनी इस माही में सॉरी ये ताना में जितनी रस्सी आती हैं वो आपने तान दीजिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वही मैं सिक्वेंस हमारा बनता जा रहा है। देखो मैंने दिखाया वही यहीं से रस्सी निकालेंगे और इसमें डालेंगे, इसी प्रकार से आप धीरे धीरे ताना ये खींच दीजिए। जो अपनी चारपाई होती है उसमें इस प्रकार से ताना तन देते हैं। इसी प्रकार से ताना हम तान देंगे इसमें और एक घुंडी उसी प्रकार से डालते रहेंगे और धीरे धीरे देखेंगे आप तो ये हमारी ये लहर भी जो लहर दिख रही है लहर अपनी आप बन जाएगी आपकी। इसी प्रकार से ये देखिए आराम से इसमें किल्ली में आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको बस आपको नॉर्मल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, नॉर्मल रखेंगे तो आप आराम से डाल देंगे। रस्सियों को भी नॉर्मल रखें आप। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये ताना आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख पा रहे हैं हर एक एक रस्सी, देखिए मैं बहुत ही आसानी से आपको दिखा रहा हूँ। रस्सी को बस थोड़ी सी नॉर्मल रखिए आप इस प्रकार से। देखो ये नीचे से लेंगे, सॉरी अभी इसमें एक दावणी हमें डाल देते हैं यहाँ पहले। देखो यहाँ से दावणी मैंने टाइट कर दी थी और यहाँ से नीचे से लेकर हम एक साथ के साथ इसमें दावणी भी हम डालते रहेंगे और इसको टाइट करने के लिए या तो यहाँ अभी नज़दीक आ गए हम थोड़ा बांध देंगे इसको, सॉरी इसके नहीं बांधेंगे इसी रस्सी के यहाँ बांध देते हैं ताकि लूज़ नहीं रहे, ये इधर ही रखेंगे। वापस हम इसी में चलते हैं इसी प्रकार से यहाँ नीचे से लेंगे और देखिए इस प्रकार से और धीरे से इसको निकालेंगे क्योंकि इसका विशेष का ध्यान रखा है, एक रस्सी खंच गई हमारी तो पूरी उधड़ जाएगी। इसमें आराम से यहाँ से लीजिए इसी प्रकार से ये धीरे धीरे आप ले लेंगे तो ये आ जाएगी। देखो आ गई है हमारी और वापस इसमें ये रस्सी में किल्ली हम डाल देंगे यहाँ से इस प्रकार से और इसको वापस इस प्रकार से लीजिए यहाँ से लीजिए और वापस से धीरे से इसको निकालिए यहाँ पे, और निकालने के बाद में धीरे से किस प्रकार से ये खींच देंगे। तो ये हमारी ये जरा सी बच गई है फालतू, तो ये नीचे आप निकाल दीजिए बहुत ही आसानी से, देख पा रहे हैं ये निकल जाएगी। देखो ये नीचे हमारी निकल गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ताना खींचेंगे आप। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे हैं इस प्रकार से पूरी चारपाई में आप ताना तन देना है और जो रस्सी थोड़ी बहुत फालतू बच जाती है आपकी दावणी में तो इस प्रकार से इसको आटा मार देना है तो आपकी दावणी की रस्सी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये थोड़ी मजबूत भी हो जाएगी इससे। और यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। ये एक तरफ ये दिख रही लाइन, यदि आपको इधर से शुरू करना है तो ये बांध दीजिए, अगर यहाँ से स्टार्टिंग करनी है तो ये रस्सी बांध दीजिए, इस रस्सी को यहाँ से लेकर और आप यहाँ पर बांध देंगे और यहाँ से शुरू हम करेंगे। फिर ये शुरू कैसे करेंगे दोस्तों वो आपको मैं पार्ट टू में बताऊंगा किस प्रकार से ये हमें स्टार्टिंग करना है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।